Students, in today's lectures, we are going to study about some examples of op-amp. Op-amp के कुछ numericals करेंगे हम लोग आज की क्लास में और जितने टाइप्स के बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर examinations में क्वेश्चन आए हुए हैं AKTU examinations में उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये यूनिट 3 का टॉपिक्स है ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंडर में आता है जो कि फर्स्ट ईयर AKTU सिलेबस इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है. माई नेम इज हरी मोहन राय एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद. सो लेट अस बिगिन द टुडे टॉपिक. दो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव जस्ट टेकन रैंडमली बेस्ड ऑन द टॉपिक्स हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा है उस टॉपिक के आधार पे. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि AKTU 2016-17 में आया हुआ है और क्वेश्चन क्या है. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज डिफरेंशियल गेन ऑफ 10^2 एंड CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ 80 dB डेसिबल. इनपुट वोल्टेजेस आर 100 microvolt एंड 60 microvolt. डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज. सो इट मींस दैट सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो दो चीजें हमें ध्यान पर रखनी है. पहला व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. और ये दो चीजें हमने नोट डाउन कर लिया, पता चल गया तो हमारा मैक्सिमम 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो चलिए लिखते हैं पहले. तो डिफरेंशियल गेन का मतलब हम डिनोट करते हैं AD से. AD इज गिवन 10^2 दैट इज 100. देन ऑल्सो CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज गिवन 80 dB. ध्यान पाने वाली बात है कि डेसिबल में दिया हुआ है. इनपुट वोल्टेजेस यानी दैट मींस किसी एक को हम मान लेते हैं कि V1 इज इक्वल टू 100 microvolt एंड V2 वी जस्ट एज्यूम दैट 60 microvolt. दो इनपुट वोल्टेजेस हो गया. अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट V आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट निकालना है. तो सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट, हमें पता है कि वी आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है. वी नो दैट वी आउटपुट इज इक्वल टू AD VD प्लस AC VC. क्या है ये सब? AD डिफरेंशियल गेन, AC कॉमन गेन, VD डिफरेंस वोल्टेज, VC कॉमन वोल्टेज. तो सारी वैल्यूज को हम ये गिवन वैल्यू से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो आई जस्ट टेक दैट दिस वन आल्सो. तो पहले में हम लोग क्या करेंगे कि आई राइट कि पहले VD कैसे निकालेंगे. VD का मतलब क्या होगा कि मोड ऑफ V1 माइनस V2, जो भी बड़ा होगा उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे या मोड लगा देंगे, अपने आप आ जाएगा. तो कितना हो गया, 100 माइनस 60 दोनों माइक्रोवोल्ट में है तो यू आई विल बी गेटिंग 40 माइक्रोवोल्ट. VD की वैल्यू निकल गई. नाउ वी आर गोइंग फॉर VC. व्हाट अबाउट VC? VC को कैसे निकालते हैं हम लोग? तो V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2. ओके, सो V1 की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, बोथ आर इन माइक्रोवोल्ट. सो द आंसर विल बी 140 डिवाइड बाय 2, सॉरी 60 तो 160 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 80 माइक्रोवोल्ट. सो VD VC बोथ वी हैव फाइंड आउट. VD VC वी हमने निकाल लिया यहां. अब क्या बचा, AD एंड AC. AD इज ऑलरेडी गिवन, AC वी हैव टू फाइंड आउट एंड CMRR गिवन है. तो हमें पता है कि CMRR के फॉर्मूले से अगर CMRR इज इक्वल टू क्या होता है, AD अपॉन AC. लेकिन कब, जब ये डायरेक्टली बिना डेसिमल में दिया हुआ है तब. लेकिन यहाँ पर डेसिमल में होगा तो क्या करेंगे, अगर इट इज इन डेसिमल तो क्या करेंगे हम, 20 log ऐड कर देंगे बस. बेस हमेशा 10 रहेगा, ध्यान रखना, दैट्स इट. तो अब इसके हिसाब से CMRR की वैल्यू है 80, यहाँ पे हो गया 20 log और AD की वैल्यू कितनी है, 100 × 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय AC हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए 20 से ये 4 टाइम्स में चला गया. ये एंटी लॉग अगर हम लेंगे यहाँ पे सो क्या हो जाएगा, लेट्स फाइंड आउट 4. ये क्या हो जाएगा, 10 का बेस एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 10^4. यहाँ पे 10^4 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई AC आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग. So AC is equal to 100 divided by
10 टू द पावर 4. 10 टू पावर 4 का मतलब अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 टू द पावर 4 का मतलब ये एक के ऊपर 4 जीरो. सो 2 तो कैंसिल आ गया. 1 डिवाइड बाई 100 का मतलब आ गया 10 टू द पावर माइनस 2. ओके, सो AD भी निकल गया, VC भी निकल गया, AC भी निकल गया और AD ऑलरेडी गिवन है. ओके, सो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन वन क्या होगा. सो अगेन आई लेट दिस द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज वी आउटपुट इज इक्वल टू AD BD plus AC VC, जहां पे कि AD की वैल्यू 10 टू द पावर 2 है, VD वी हैव फाउंड 40 माइक्रोवोल्ट, माइक्रो के लिए 10 टू पावर माइनस 6 ये हो गया, प्लस AC की वैल्यू कितनी आई थी 10 टू पावर माइनस 2 इंटू VC की जो वैल्यू है वो आई हुई है 80 माइक्रो, यानी कि 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ओके, सो दिस इज ऑल. अब जस्ट आप कैलकुलेटर का यूज करके, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड योर वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली वी आउटपुट इज इक्वल टू 4 मिली वोल्ट. 4 पॉइंट समथिंग में आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4 मिली वोल्ट के आसपास आएगा. ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, दो चीजें. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, ये AK2, ये भी 15-16 में आया हुआ क्वेश्चन है. और क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन जस्ट रीड कीजिए अच्छे से प्रॉपरली एंड फाइंड आउट कीजिए. फॉर एन इनपुट ऑफ, यानी कि वी इनपुट की जो वैल्यू है VIN इज इक्वल टू 50 मिली वोल्ट गिवन है, देन इन द सर्किट गिवन डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ मैक्सिमम निकालना है मुझे, फाइंड आउट करना है, दैट मे बी यूज द स्लू रेट ऑफ ओपम इज 0, यानी कि स्लू रेट जो है SR, स्लू रेट जिसको बोलते हैं वो है 0.4 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड. इसके साथ ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है तो हमें पता है कि स्लू रेट ऑफ एफ मैक्स के में एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूले को मैं आप लोगों से बाद में निकालूंगा. पहले हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें निकाली जा सकती है. तो क्या हम जानते हैं कि SR इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे स्लीव रेट इज इक्वल टू DV0 डिवाइड बाई DT की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और यहाँ पे V आउटपुट का यहां से निकाल सकते हैं गिवन सर्किट से. सो ये कौन सा सर्किट है, सो फ्रॉम द गिवन सर्किट ये V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि देख सकते हो आप इनवर्टिंग माइनस पे इनपुट जा रहा है, प्लस वाला ग्राउंडेड है, इनवर्टिंग ऑपम है, तो इनवर्टिंग ऑपम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस RF अपॉन R1, यानी कि RF अपॉन R इनपुट इनटू V इनपुट. RF की वैल्यू 200 है, किलो ओम में है, ये नीचे भी, ये भी किलो ओम में है, 2 किलो ओम, ये दिस बोथ आर इन किलो ओम, इनटू V इनपुट इज हाउ मच 50 मिली वोल्ट, यानी कि 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. नाउ इसी 2K और ये 2 कैंसिल हो, कितना आ गया 100 टाइम्स में, तो 100 इंटू 10 टू पावर 3 कितना आ गया 50 आ जाएगा. ये हाउ मच विल बी गेटिंग, 50 वोल्ट, यानी कि 50 मिली वोल्ट इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट. सो वी आउटपुट इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग माइनस में आएगा बिकॉज दिस इज माइनस, सो माइनस 5 वोल्ट आ गया. नाउ सो वी ऑल हैव दिस वैल्यूज, नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दिस वन, यानी कि स्लीव रेट का. स्लीव रेट का फॉर्मूला क्या होगा, DV0 डिवाइड बाई DT इनटू V max. अब दिक्कत डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, और पहले मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं. तो जस्ट स्लीव रेट के फॉर्मूले से मैं इस इक्वेशन से करता हूँ SR, V0 हम साइनस यहाँ पे मानता हूँ, मैं V0 मान लेते हैं कि एक साइनसॉइडल वेव है, आउटपुट कितना आ रहा है 5, है ना. तो मैं क्या करूंगा, इस साइनसॉइडल वेव को यहाँ पे रख लूंगा, मान लेते हैं कि V आउटपुट इज इक्वल टू VO इंटू साइन ओमेगा टी, जहाँ पे कि V आउटपुट की वैल्यू हम बाद में यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, बट अभी क्या करते हैं इसको ऐसे रखते हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन निकालने के लिए. तो DV0 की वैल्यू क्या होगी, V आउटपुट डिवाइड बाई
साइन ओमेगा टी, और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टी के रिस्पेक्ट में और फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो क्या है, ठीक है? ओके, लेट अस सी हियर। सो इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वी नॉट तो एज इट इज हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, यानी कि कॉस ओमेगा टी इन टू, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में किया तो ओमेगा भी आएगा, ओमेगा, और ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमें मैक्सिमम। अब बताइए कि अब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, वन हो जाएगी, तो आपका ये वैल्यू एस आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, वी नॉट इंटू ओमेगा मैक्स इंटू वन, यानी कि ओमेगा मैक्स हो गया, वी नॉट हो गया, वी नॉट तो ऑलरेडी गिवन है, फिक्स है, ओमेगा मैक्स मतलब ओमेगा मैक्स निकालना है, और कॉस ओमेगा यानी लिख देता हूं मैं, कॉस ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन होती है। ओके, ना यहां तक हो गया। अब मुझे यहां से ओमेगा एक्स मैक्स निकालना, क्योंकि ओमेगा एक तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एस आर यहाँ पे, सॉरी उल्टा, इधर हम लेके जा रहे हैं, मतलब ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू, तो एस आर डिवाइड बाई वी नॉट, ये हो जाएगा एस आर डिवाइड बाई वी नॉट, सो ये डिवाइड हो गया वी नॉट से, बट ये ओमेगा मैक्स है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इजंट इट? सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग ये काम करते हैं कि जो गिवन है एस ओमेगा मैक्स को हम लिख सकते हैं, ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू टू पाई एफ, है ना, तो टू पाई एफ मैक्स, बिकॉज टू पाई तो फिक्स है, तो यही बचा, इज इक्वल टू एस आर स्लू रेट डिवाइड बाई वी नॉट। सो अब बताइए यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एफ मैक्स इज इक्वल टू एस आर डिवाइड बाई टू पाई डिवाइड होगा टू पाई इंटू वी नॉट। सो दिस फॉर्मूला कैन बी डायरेक्टली रिटर्न, ये हमने डिराइव इसलिए किया क्योंकि अगर आपको नहीं भी आता ये फॉर्मूला तो इस फॉर्मूले का आप डिराइव कर सकते हो। ओके, सो एस आर डिवाइड बाई, या अगर आप वहां पे कॉस भी लिए होते तब भी यही आता, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस माइनस का बस डिफरेंस आएगा, बाकी आपकी यही फॉर्मूला आएगा। तो अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले में एवरीथिंग आई थिंक सो गिवन, जैसे अब एफ मैक्स आपको निकालना है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एस आर की दी हुई वैल्यू 0.4 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड है ना, तो 0.4 हो गया वोल्ट, हमने डाल दिया 0.44 पर माइक्रो सेकेंड, मतलब डिवाइड बाई माइक्रो सेकेंड होगा, इनटू 2 पाई, और इसके बाद जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है 5 है। ओके, सो यहाँ पे 5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए हमने वोल्टेज को बेसिकली सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखा है। नाउ अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.4, बस कैलकुलेशन करना है, 0.4 वोल्ट और पर माइक्रो वोल्ट के लिए, पर मतलब डिवाइड है ना, और माइक्रो के लिए 10 to the power -6 इंटू 2 इंटू आप अप्रोक्सीमेटली 3.14 रख दीजिए और इंटू 5। अब ये 0.4 डिवाइड बाई अगर इनसे आप डिवाइड करेंगे 0.4 इंटू 10 to the power 6 तो ये हो जाएगा ऊपर चाहे 10 to the power +6 बन जाएगा, यानी कि 0.4 इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.4 into 10 to the power 6, अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ना, और डिवाइड बाई बन जाएगा 2 into 3.14 into 5। अब ये वैल्यू जब आप निकालेंगे तो F max you will get equal to 12.732 kilohertz into 10 to the power 3। अभी चेक इट आउट, इतना आना चाहिए बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड थ्रू दिस वन, सो आई होप कि दिस वैल्यू इज करेक्ट। सो आप मात, अगर आपको ये फॉर्मूला से आपको पता है तो डायरेक्टली आपको मात्र दो लाइन सॉल्व करनी है। इसके पहले जो है हमने ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक क्या किया, फॉर्मूला निकाला है, यहाँ से यहाँ तक हमने गिवन लिखा है, ये यहाँ तक गिवन है, यहाँ पे आपने आउटपुट की वैल्यू निकाली है, दैट्स इट, गॉट इट? नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है वो दो बार आया हुआ है, 10-11 में और 16-17 में। तो सबसे पहला मेरा आपका स्टेप क्या होना चाहिए, फाइंड कीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन में बोल रहा है कि आर आई, आर इनपुट की वैल्यू यानी कि आर वन या आर आई जिसको बोलते हैं वो 10 किलो ओम है। ओके, एंड देन वी हैव द वैल्यू ऑफ वन इज
गेन, गेन इज निगेटिव, एवी की जो वैल्यू है वो माइनस फाइव है, और आपसे बोला जा रहा है कि इन्वर्टिंग यानी कि निगेटिव, गेन निगेटिव है तो अप्रोक्सीमेटली आपको पता चल रहा है कि आउटपुट क्या होना चाहिए, इन्वर्टिंग ऑप एम हमें डिजाइन करना है, तो इन्वर्टिंग ऑप एम का द आउटपुट वोल्टेज ऑफ, आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, क्या होते हैं लिखते हैं हम लोग, वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर इन इंटू वी इन। तो अब यहां पे गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट का रेशियो, सो गेन यानी कि ए वी इज इक्वल टू वी, यहां पे डिवाइड कर दीजिए यहां पे वी इन से, तो वी इन इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर इन या आर आई। अब देखिए ए वी की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर आई की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम, और ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। अब आर एफ निकला कितना, आर एफ इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के, दैट इज नथिंग बट 50 किलो ओम। अब देखिए आर एफ निकल गया, आर आई एलईडी है, तो डिजाइन का मतलब क्या आता है, इसको डिजाइन करना, यानी कि माइनस आर आई ए एलईडी ये है जो कि 10 किलो ओम गिवन है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे पीछे लिखना पड़ेगा बिकॉज स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। तो आर आई एलईडी गिवन है और इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ओके, तो दिस इज इन्वर्टिंग, वी इनपुट नहीं गिवन है, वी आउटपुट भी नहीं क्योंकि हम गेन की बात कर रहे हैं, गेन के लिए हमें इनपुट आउटपुट जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर आया 50K और ये आपका दिया हुआ 10K। दिस इज योर कंप्लीट आंसर, यानी कि आपने डिजाइन कर दिया ऑप एम, इन्वर्टिंग ऑप एम जिसका कि गेन कितना आएगा, माइनस फाइव, ओके, दो बार आया हुआ 10, 11 and 6 and 7, वेरी सिंपल, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है, सिर्फ आपको क्या करना है, जब इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपको सारे ऑप एम जितने भी ऑप एम लगे उनको पहचानना है कि कौन सा ऑप एम क्या है। तो अब मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ऑप एम 1 इसको कर दे रहा हूँ मैं ऑप एम 2 क्योंकि वी 2 है यहाँ पे, और इसको मैं कर दे रहा हूँ ऑप एम 3 क्योंकि ये वी 3 है, ठीक है। तो अब बताइए पहला ऑप एम कौन सा ऑप एम है, देखिए सोच के बताइए, क्योंकि माइनस को हमने आउटपुट के साथ शॉर्ट किया हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट यूनिटी गेन। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये V2 V3 है तो इसका आउटपुट मान लिए कि V1 आ रहा है, ओके। नाउ सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सो फर्स्ट ऑप एम, फर्स्ट ऑप एम इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर, यूनिटी गेन एम्पलीफायर, ओके तो क्या हो गया यूनिटी गेन एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट, हेंस वी आउटपुट यानी कि V1 की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे वो आ गई आपका 0.2 वोल्ट के। तो पहला V1 निकल गया, अब आते हैं हम लोग V2 की तरफ, लेट अस सी। अब सेकेंड ऑप एम क्या है, सो सेकेंड ऑप एम, सेकेंड ऑप एम इज कौन सा, देखो माइनस पे इनपुट है प्लस ग्राउंडेड है, माइनस पे इनपुट प्लस ग्राउंडेड मतलब इनवर्टिंग इज इनवर्टिंग, इनपुट बस आपको चेक करना है कि माइनस टर्मिनल पर अगर इनपुट जा रहा है तो इनवर्टिंग, प्लस पे जा रहा है तो नॉन इनवर्टिंग, दोनों पे जा रहा है तो डिफरेंस, बस इतना। तो सेकेंड ऑप्शन इज इनवर्टिंग एम्पलीफायर, हेंस द आउटपुट इज गिवन एज माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी वन, क्योंकि वी वन एज ए आउटपुट यहाँ पे जा रहा है। So, okay, now, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो V आउटपुट की जगह पे हम यहाँ पे क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू माइनस आर एफ की जगह पे क्या है 200 डिवाइड बाई 20, दोनों किलो ओम में है, ये भी किलो ओम में है, इंटू V1 की वैल्यू 0.2। सो 20 कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम्स में, और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी गेटिंग, विल बी गेटिंग 0.2 इंटू 2 माइनस में है तो यानी कि -2 वोल्ट, V2 निकल गया। थर्ड वन, व्हाट अबाउट थर्ड एम्पलीफायर, सो द थर्ड ऑप एम, थर्ड ऑप एम इज
देखो इनपुट कहाँ पे जा रहा है, प्लस पे, ये देखो प्लस पे इनपुट जा रहा है, माइनस वाला थोड़ा कंफ्यूज करने का इस तरीके से दिया हुआ है, माइनस इज ये आर वन एंड आर एफ, यानी कि फीडबैक गया हुआ है माइनस है, प्लस पे इनपुट जा रहा है। ओप एम्प इज नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है, ये जानबूझ के अपोजिट ड्रॉ किया हुआ है ताकि कब कंफ्यूज हो। सो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, ये होता है फॉर्मूला, इन टू वी इनपुट के बराबर। ओके, सो यहाँ पे वन प्लस आर एफ की वैल्यू 200, यहाँ भी है 200 किलो ओम, 20 किलो ओम, और इनपुट वी इनपुट जो है वो वी वन के बराबर जा रहा है जो 0.2 वोल्ट है। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू, ये 10 टाइम्स में जाएगा तो 10 प्लस 1 11 इंटू 0.2, दैट इज नथिंग बट 2.2 वोल्ट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट V3। सो V2 इज इक्वल टू -2 वोल्ट एंड V3 इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया हुआ है, 15-16 में ये क्वेश्चंस, वेरी सिंपल। बस केवल क्या किया हमने, पहचाना उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होता है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक 15-16 का क्वेश्चन है, एक 14-15 का क्वेश्चन है, और दोनों में पूछा गया है कि दोनों के आउटपुट निकालिए। ओके, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम कि गिवन क्वेश्चंस को पहचानना है कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, यानी कि जो गिवन क्वेश्चन है या जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है, डिफरेंस है, समिंग है। तो पहले देखें, माइनस पे इनपुट जा रहा है, यस वी वन, प्लस पे जा रहा है, यस वी टू, यानी कि दोनों टर्मिनल पर अगर इनपुट जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस एम्पलीफायर। सो ए के लिए द गिवन ऑप एम्प ना, द गिवन ऑप एम्प इज डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर, हेंस अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, मान लिया हमने कि V आउटपुट जो है वो 2 V01 प्लस V02 के बराबर होता है। इसका आप डेरिवेशन देख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है इसको। तो ये इक्वेशन नंबर वन, जहां पे कि V01 क्या है, V01 इज द आउटपुट व्हेन ओनली ओनली V1, या कह सकते हो ओनली इन्वर्टिंग टर्मिनल हैज इनपुट, ओनली किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनली इनवर्टिंग टर्मिनल टर्मिनल हैज इनपुट, हैज इनपुट। तो क्या हुआ, मैं ड्रॉ के दिखा देता हूँ इस सर्किट को। तो आपने क्या किया, माइनस वाले टर्मिनल पे यानी कि इनवर्टिंग जो टर्मिनल है उस पे सिर्फ इनपुट लिया, और प्लस वाले टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर दिया, ये दोनों को आपने ग्राउंड कर दिया। ओके, सो दिस वन इज V1, ये 5K एंड दिस इज नथिंग बट 10K। तो ये क्या, कौन सा एम्पलीफायर है, जब ये प्लस ग्राउंडेड है और माइनस पे इनपुट जा रहा है तो क्या हो गया, इनवर्टिंग एम्पलीफायर। सो V01 गिवन बाई माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू V1। सो आर एफ की वैल्यू है माइनस सबसे बाहर है, 10 डिवाइड बाई 5, दोनों किलो ओम में है, और इनटू V1, क्योंकि V1 की वैल्यू नहीं दी हुई है तो V1 के टर्म्स में आउटपुट आएगा। सो V01 इज इक्वल टू -2V1। ओके, सो दिस इज द V01 की वैल्यू, यानी कि V01 निकल गया। व्हाट अबाउट V02? सो V02 इज द आउटपुट व्हेन नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल हैज ओनली इनपुट, हैज ओनली इनपुट, इनपुट्स कह सकते हैं इनपुट्स। सो इट मीन्स दैट कि जो आपका सर्किट हुआ माइनस प्लस, अब ये जो टर्मिनल है इसको आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, और यहाँ पे इस तरीके से V02 मिला, और प्लस पे जो इनपुट है, लेट्स चेक V2, और ये वोल्टेजेस कितने के हैं, वोल्टेजेस मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो आई विल राइट डाउन दिस वोल्टेज अगेन। आई थिंक सो दिस वोल्टेज इज 5K एंड 1K, दिस इज 5K एंड दिस इज 1K।
सो ये वोल्टेज है 5K का, जहाँ पे कि ये V2 है एंड दिस वन इज 1K एंड इट इज ग्राउंड. सो नाउ ये अब आप देख के बताइए, और यहाँ पे 5K एंड 10K. तो अब आप देखिए कि इस पे इनपुट किस पे जा रहा है, प्लस यानी कि V2 पे, यानी कि क्या है, नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर. क्योंकि इनपुट नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर पे एक से ज्यादा, यानी कि एक V2 और एक 0 है, तो इसका डायरेक्ट जो आउटपुट होगा V02 इज इक्वल टू, आपको जस्ट एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना होता है. यहाँ पे हम मान लेते हैं यानी कि ये टर्मिनल है, डायरेक्ट ये V2 वोल्टेज यहाँ नहीं मिल रहा है ना, तो इसको मान लेते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है वो VB है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V02 इज इक्वल टू नॉन इनवर्टिंग का फॉर्मूला 1 RF upon R1 into VB के बराबर. VB के बराबर कुछ भी मान सकते हैं, VB, VA, VX, whatever it is, okay? जहां पे कि everything is given but VB is directly not given. तो VB निकालने के लिए आपको बता दूं, अगर सिर्फ दो वोल्टेज है, सिर्फ दो वोल्टेज, तो अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर. वोल्टेज डिवाइडर क्या कहता है, जो पहला वोल्टेज V2 इंटू अपोजिट रेसिस्टेंस 1 डिवाइड बाय दूसरा वोल्टेज 0 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. देखिए दिखाता हूं मैं. सो V2 इंटू इसके अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, V2 का अपोजिट 1K है ना, प्लस अपोजिट, अब सेकेंड वोल्टेज V2 हो गया, सेकेंड वोल्टेज 0 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है 5K डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 + 1K, यानी कि 5K + 1K टोटल 6K. तो अब ये देखिए, ये तो 0 हो गया पार्ट, यानी कि V2 इंटू 1 यानी कि सिर्फ V2 हो जाएगा डिवाइड बाई 6K है ना, V2 डिवाइड बाई 6. सो यू विल बी, यू आर गेटिंग द वैल्यू, VB की वैल्यू कितनी हो गई, VB इज इक्वल टू नथिंग बट V2 बाई 6. नाउ दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूटेड हियर. सो नाउ व्हाट ओपन, V02 इज इक्वल टू 1 + RF कितना है 10 डिवाइड बाई RF डिवाइड बाई R1 यानी कि RI 5 दोनों किलो ओम में है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू V2 डिवाइड बाई 6. तो ये कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, और 2 + 1 कितना हो गया 3. सो 3 इंटू V2 अपॉन 6 यानी कितना हो गया V2 बाई पॉजिटिव में. सो फाइनल आउटपुट क्या हो गया, फाइनल आउटपुट हमने जो लिखा था, V आउटपुट इज इक्वल टू V01 प्लस V02 व्हिच इज नथिंग बट V01 की वैल्यू आई थी -2V1 आई थिंक सो, लेट्स से हां -2V1 -2V1 और प्लस V2 की वैल्यू V2/2. सो दिस इज योर आउटपुट. यानी कि क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप निकालना है. पहला स्टेप जब सिर्फ इनवर्टिंग पे इनपुट, सेकेंड स्टेप जब नॉन इनवर्टिंग पे इनपुट, थर्ड स्टेप दोनों को कंबाइन. ओके, सो दिस टाइप ऑफ, ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उसमें भी वी आउटपुट निकालने के लिए पूछा जा रहा है. तो लेट मी शो द क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पे प्लस वाले पे इनपुट जा रहा है -1 वोल्ट, माइनस पे भी इनपुट जा रहा है +2 वोल्ट. तो इसका मतलब है दोनों टर्मिनल पे इनपुट है. डायग्राम को अपोजिट ड्रॉ किया हुआ है, माइनस को नीचे रख दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि माइनस पे फीडबैक जा रहा है क्या, यस माइनस पे फीडबैक है और प्लस पे इनपुट है, और माइनस पे भी दोनों टर्मिनल पे, नेगेटिव इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग दोनों पे इनपुट है. इट मींस दैट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये भी डिफरेंस एम्पलीफायर का है. अंतर क्या है, इसे थोड़ा अपोजिट ड्रॉ किया गया. तो यहाँ भी द गिवन op amp is डिफरेंस एम्पलीफायर. सो हम यहाँ पे भी एम्पलीफायर, सो विल अप्लाई हियर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल टू सॉल्व दिस. यानी कि V आउटपुट इज इक्वल टू V01 प्लस V02 इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ इन स्टेप वन में हम क्या करते हैं कि पहले मानते हैं कि V01 इज द आउटपुट, इज द
यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं जो पिछले मैंने लिखा था, क्योंकि इट इज नॉट V01 नॉट गिवन, हमने एज्यूम किया है ऐसा. सो यहाँ पे लिखिए एज्यूम V01 इज द आउटपुट व्हेन इनवर्टिंग टर्मिनल हैज ओनली इनपुट्स. इनपुट या इनपुट्स कुछ भी हो सकती है, अगर एक से ज्यादा है तो इनपुट्स लिखेंगे. तो दोबारा से मैं इस सर्किट को ड्रॉ कर लूँ इन्वर्टिंग टर्मिनल के जो गिवन सर्किट है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट रहेगा सिर्फ और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड होगा. तो ये आपका सर्किट हो गया. माइनस प्लस में जितने भी है वो सारे क्या है ग्राउंड, मतलब प्लस वाले, प्लस ऊपर रखा है हमने, माइनस नीचे. सर्किट के हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ओके, नीचे की तरफ माइनस है और प्लस वाला जो है वो ऊपर की तरफ है. सो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस टर्मिनल जो एज इट इज, माइनस पे हमने जो इनपुट है वो माइनस पे इनपुट देंगे, वी आउटपुट V01 मान लेंगे. प्लस टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा, ग्राउंड होगा, यानी कि ये ग्राउंड और ये ऑलरेडी ग्राउंडेड है. और प्लस पे इनपुट क्या दिया जा रहा है आपका, 2 वोल्ट, और ये क्या है 150 किलो ओम, और ये है 300 किलो ओम. इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, सो V01 इज इक्वल टू इन्वर्टिंग पे टर्मिनल है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर माइनस RF अपॉन R1 इनटू V1 व्हिच इज नथिंग बट माइनस के बाद RF की वैल्यू 300 डिवाइड बाय 150 किलो ओम इनटू 2 वोल्ट. सो कितना हो गया, 2 टाइम्स में जाएगा, यानी कि V01 इज इक्वल टू माइनस 4 वोल्ट इन केस 2, यानी कि स्टेप 2. अब स्टेप 2 जस्ट इसी तरीके से जैसे हमने पिछला किया था, एज्यूम दैट V02 इज द आउटपुट व्हेन नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल has only inputs. It means that I'll redraw it. कि ये सिर्फ plus पे input जा रहा है, minus grounded है plus. तो plus पे input I think so minus 1 volt है question के हिसाब से, check it out. और ये जो plus वाला इस तरीके से है, और माइनस एज इट इज को हमें ग्राउंड करना है बिकॉज माइनस पे इनपुट नहीं जाना चाहिए एजम्पशन के हिसाब से. सो यहाँ पे V02 और ये 150 के, यहाँ पे 300 के, और ये इनपुट जो है वो है ये भी 10K का और ये भी 10K का. सो लेट अस बिगिन सॉल्यूशन में. तो अब ये आउटपुट कौन सा है, ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर यहाँ पे भी हम मान लेंगे कि ये वोल्टेज VB है. तो आउटपुट इसका लिखेंगे V02 इज इक्वल टू नॉन इनवर्टिंग के हिसाब से 1 plus RF upon R1 into VB. अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से VB इज इक्वल टू VA हो जाएगा, लेकिन VB की वैल्यू -1 volt तब होती जब यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं होता. यानी कि अगर VB इज इक्वल टू -1 volt हो जाए तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली -1 volt VB के बराबर नहीं है, तो हमें VB की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी. और यहाँ भी VB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल. क्या होगा वोल्टेज डिवाइडर हिसाब से, तो पहला वोल्टेज यानी कि -1 into कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 10, उसके अपोजिट रेसिस्टेंस 10 किलो ओम, प्लस 0 into उसके रेजिस्टेंस यानी कि 10, दोनों 10 के है, और ये हो जाएगा आपका 20 किलो ओम. तो ये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर. सो फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडर रूल, अब ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचा, -10K डिवाइड बाई 20K एंड विच इज नथिंग बट -1/2. VB की वैल्यू निकल गई वोल्ट. अब इस वैल्यू को आप V02 में पुट करते से, सो V02 इज इक्वल टू 1 plus RF upon R1 into VB विच इज नथिंग बट RF की वैल्यू, हाउ मच इट इज, लेट मी चेक इन द क्वेश्चन हियर. सो RF इज नथिंग बट 300 डिवाइड बाय 150. सो लेट अस पुट, सो 1 प्लस
100 divided by 150 into minus 1 by 2. So what we are getting? Ye aa gaya 2 plus 1, 3. That means 3 into minus 1 divided by 2 is nothing but minus 3 by 2. So substitute this value to the value of V01 and V02 in equation 1. So V output is equal to V01 ki value kitni aayi hui hai minus 4 and V02 ki value kitni aayi hui hai minus 3 by 2. Dono ke yahan pe hum add kar denge. So you will be getting minus 4 minus 3 divided by 2. So agar dono ko hum completely add kare to 8 aur 3 11 by 2 yani ki minus 5.5 volt. Clear hai? So I'll be getting the total increase to minus 5.5 volt. So V output is equal to minus 5.5. Okay? Clear hai? Yani ki डिफरेंस एम्पलीफायर में हमें तीन स्टेप स्टेप वन स्टेप टू और दिस इज स्टेप नंबर थ्री. आई विल राइट स्टेप थ्री हियर. दिस इज स्टेप थ्री जहां पे कि दोनों की वैल्यू को आपको पुट कर देनी है. ओके अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे. अब ये दो क्वेश्चन है वो 15-16 और 13-14 में आया हुआ. सो व्हाट दिस क्वेश्चन. अब पहले क्वेश्चन आपको देख के पहचानना है कि क्या है. तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन नंबर ए. सोल्यूशन नंबर सर्किट्स में आप देख रहे हो कि एक निगेटिव टर्मिनल पे ही सिर्फ इनपुट जा रहा है. पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है. इट मींस दैट कि ये तो इन्वर्टिंग है लेकिन इन्वर्टिंग पे एक से ज्यादा इनपुट जा रहा है. जब इन्वर्टिंग पे एक से ज्यादा इनपुट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं. समिंग इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है ना. सो द गिवन ऑप एम्प इज इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. ठीक है तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर को हम डायरेक्टली क्या लेते हैं. इन्वर्टिंग का फॉर्मूला याद है ना. माइनस बाहर निकाल के आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी वन. ये सिर्फ एक इनपुट के लिए और एक से ज्यादा होगा तो जब आप ऐड करते जाइए आर एफ अपॉन आर टू इंटू वी टू. कितने इनपुट है. तीन है. तो प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री इंटू वी थ्री. याद करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग याद रहेगा तो बाकी सब अपने आप निकाल सकते हैं. अब ये इक्वेशन अब इस इक्वेशन में जस्ट सारी वैल्यू पुट कर दीजिए. V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस आर एफ की जगह पे हो गया 100 के. सारे किलो में है तो मैं किलो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे. 100 डिवाइड बाय 20 इंटू वी वन की वैल्यू हो गई 0.1 वोल्ट. प्लस अगेन सेकेंड में 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 0.2 वोल्ट. प्लस 100 डिवाइड बाय 50 इंटू 0.3. लेट अस सी ये 25 टाइम्स में चला जाएगा. ये 10 टाइम्स में चला जाएगा. ये 52 टाइम्स में चला जाएगा. एंड द कैलकुलेशन इज माइनस ये हो गया 0.5 वोल्ट. ये हो जाएगा प्लस 2 वोल्ट और ये प्लस 0.6 वोल्ट. टोटल जो वोल्ट हो गया 6 और 5 1.1 और 2 यानी कि माइनस 3.1 वोल्ट. सोचिए ये क्वेश्चन इतना सा क्वेश्चन 15-16 में लॉन्ग क्वेश्चंस में लॉन्ग मार्क्स में आया हुआ है. अब इसी का जो सेकंड पार्ट है यानी कि अब इस क्वेश्चन को देखिए. आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले चेक कीजिए कि इनपुट कहाँ पे जा रहा है. इनपुट प्लस टर्मिनल पे या माइनस टर्मिनल पे. माइनस टर्मिनल इज ग्राउंडेड. इट मींस दैट प्लस टर्मिनल पे सारे इनपुट जा रहे हैं लेकिन प्लस टर्मिनल में इनपुट एक से ज्यादा है. इट मींस दैट द गिवन सर्किट इज नॉन इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. ओके सो सॉल्यूशन ऑफ बी. द गिवन ऑप एम्प इज नॉन इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. तो नॉन इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत है. जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे इस पॉइंट पे हम मान लेंगे कि क्या है
वी वोल्टेज है या वी वी ए वी एक्स कुछ भी मान सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, द फॉर्मूला विल बी रिटन एज वी आउटपुट इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी बी. ओके, जहां पे कि वी बी की वैल्यू हमें पुट आउट करनी है. सो द टू फाइंड VB, अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि VB को हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली यहाँ पे तीन इनपुट है तो कंफ्यूज होने के चांसेस हैं या आपको पैरेलल और ये सब चीजें निकालनी पड़ेगी. सिंपल सा तरीका ये है कि इन पे तीनों पे करंट मान लीजिए, एक पे I1, एक पे I2 और एक पे I3, तीनों एक ही डायरेक्शन में, जो मैंने आप लोगों को जब डेरिवेशन के वक्त बताया था, तीनों एक डायरेक्शन में तीन करंट मान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में कोई करंट नहीं जाती है. तो तीनों करंट सम ऑफ ऑल थ्री करंट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी टोटल इनकमिंग करंट यहाँ पे ऐसे हो जाएगा. टू फाइंड वी बी, फाइंड वी बी अप्लाई केसीएल किर्चॉफ्स करंट लॉ एट नोड बी. इसको वी बी को हमने नोड बी मान रखा है, तो क्या हो जाएगा, तीनों करंट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो. और आई वन कहां से के बीच में, यानी कि दो वोल्ट से लेके वी बी के बीच में, माइनस वन से लेके वी बी के बीच में, और ये जीरो से लेके वी बी के बीच में, और तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, 10 के. ठीक है, टू टू वी बी, माइनस वन टू वी बी, और ये जीरो टू वी बी. सो यहाँ पे हो गया टू माइनस वी बी अपॉन 10 के प्लस सेकंड कितना है, माइनस वन और माइनस वन माइनस वी बी अपॉन 10 के, और ये प्लस थर्ड जीरो माइनस वी बी अपॉन 10 के. अब आप देखिए तीनों में एलसीएम जो है 10 है, तो ये आपस में सारे ऐड हो जाएंगे. ये कितना हो जाएगा, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन वी बी, टू वी बी, थ्री वी बी, माइनस थ्री वी बी, और इधर जाने के बाद हो जाएगा थ्री वी बी, है ना. और वी बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 में से 1 गया, यानी कि 1 डिवाइड बाय 3. ओके, सिंपल है. अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट वी आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस आरएफ अपॉन आर1 इनटू वीबी की वैल्यू 1 अपॉन 3, और 1 प्लस आर एफ कितना है, लेट अस सी, आर एफ 20 एंड आर वन 10, ये 10 और ये 20. सो 1 प्लस 20 अपॉन 10 इंटू 1 बाई 3, लेट अस सी 10 और ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3 इंटू 1 बाई 3 नथिंग बट 1 वोल्ट. सो वी आउटपुट व्हाट यू आर गेटिंग, 1 वोल्ट. क्या किया आपने, सिर्फ एक इनवर्टिंग टर्मिनल का फॉर्मूला लगाया, इनवर्टिंग का, नॉन इनवर्टिंग का, जो 1 प्लस आर ए बाई आर वन इंटू वी बी, और वी बी की वैल्यू निकाल लिया सिंपल एक केसीएल निकाल के. ठीक है, क्यों केसीएल, क्योंकि यहाँ पे 3 एक तरीके से इनपुट है, 2 से ज्यादा है, तो दैट्स व्हाट वी विल प्रेफर की हम यहाँ पे ये लगा. सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, जो कि शायद अभी तक नहीं आया, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बहुत बार इसको जनरली हम लोग इसमें पूछे जाते हैं, या पहले पूछा गया है. अभी इसका बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिजाइन एन एडर सर्किट. अब देखो एडर सर्किट दिया हुआ है, और इसको देख के हमें लग रहा है कि दिस इज नथिंग बट इनवर्टिंग एडर हो गया, मतलब यानी कि वी आउटपुट, वी नो दैट, सिंपल वर्ड में वी नो दैट द आउटपुट ऑफ इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, क्या होता है, तीन इनपुट है इसमें V1, V2, V3, तो तीन इनपुट के टर्म में हो जाता है, माइनस बाहर निकालने के बाद आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू इंटू वी टू प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री इंटू वी थ्री, इक्वेशन नंबर 1. अब जो गिवन है उसको उसके साथ इसको कंपेयर कर देते हैं. तो गिवन में क्या है, गिवन वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं, क्योंकि इसके सेम दोनों को एक जैसा बना दे, तो ये जाएगा वी वन माइनस फाइव वी टू प्लस 25 V3. क्लियर है. अब क्योंकि माइनस और प्लस बन गया इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को कंपेयर कैसे है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट
क्या मिलेगा, ये देखिए पहला फर्स्ट आर एफ अपॉन आर वन, यहाँ पे आर एफ अपॉन आर वन इज इक्वल टू वन। सेकेंड आर एफ अपॉन आर टू, आर एफ अपॉन आर टू इज इक्वल टू फाइव। देखिए माइनस नहीं लेना है, बिकॉज क्यों, रेजिस्टेंस का रेशियो जो है निगेटिव में नहीं आएगा, रेजिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमेशा आर एफ बाय आर सिर्फ पॉजिटिव लेना है। माइनस जो है वो वोल्टेज के साथ लग जाएगा, यानी कि पहला वोल्टेज पॉजिटिव में, दूसरा निगेटिव में, तीसरा पॉजिटिव। सो आर एफ अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू 25 वोल्ट। तो दिस इज नथिंग बट रेशियो, ये आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर हम ये रेशियो निकालने के लिए अगर हम आर एफ को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, अब आर एफ इज इक्वल टू कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम 1, 5 और 25 है ना, यानी कि ये कैलकुलेशन में नहीं लिखना आप लोग, ऐसे बस एज्यूम कर लेना कि ये जो है एलसीएम के बराबर होगा, तो तीनों के, ताकि हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू लोगे आर एफ का एज्यूम करोगे। और दूसरी चीज किलो ओम से कम में मत मानना, दो चीजें करनी है, एक तो तीनों का एलसीएम रहे तो आसान रहेगा, और तीनों किलो ओम में, तो हमने क्या किया 25 किलो ओम मैंने मान लिया, आप 250 किलो ओम भी मानोगे तब भी आसान होगा। तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया हमने, एज्यूम कि आर एफ की वैल्यू इतनी है। अब बताइए आर वन की वैल्यू क्या होगी, सो आर वन इज इक्वल टू आर एफ अपॉन, यहाँ पे आर एफ अपॉन वन, यानी कि कितना हो जाएगा 25 किलो ओम एज इट इज। सेकेंड आर टू इज इक्वल टू आर एफ अपॉन 5 हो जाएगा इससे, सो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 अपॉन 5 यानी कि 5 किलो। एंड थर्ड आर थ्री इज इक्वल टू आर एफ अपॉन 25 जो कि 1 किलो हो जाएगा। तो देखिए आर वन निकल गया, आर टू निकल गया, आर थ्री निकल गया, आर एफ एज्यूम कर लिया हमने, वी वन वी टू वी थ्री एज इट इज, यानी कि वी वन यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो वी वन पॉजिटिव, यहाँ पे वी टू निगेटिव, यहाँ पे वी थ्री पॉजिटिव। अब इसी को यहाँ पे आप, मैं यही इसी में यहाँ पे कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने, माइनस प्लस, यहाँ पे हमें तीन इनपुट देना है 1, 2, 3, और यहाँ पे ये फीडबैक और यहाँ पे आउटपुट, प्लस वन इज ग्राउंडेड। इन्वर्टिंग याद रखना, ये इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये इन्वर्टिंग समिंग का क्वेश्चन होगा। तो ये वी वन क्या है, यहाँ पहले देखिए प्लस पॉजिटिव, वी टू माइनस यानी कि माइनस वी टू, और वी थ्री फिर पॉजिटिव यानी कि प्लस वी थ्री। आर वन की वैल्यू आपने कितनी ये की 25 किलो ओम, आर थ्री की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम, आर टू कितना है 5 किलो ओम, और ये कितना है, ये भी 25 किलो। सो दिस इज योर डिजाइन ऑफ इन्वर्टिंग समिंग ऑप एम्प। अब कुछ रिसेंट क्वेश्चन आप, ये जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के हिसाब से 2017-18 में जो है वो लास्ट आप लोगों का क्वेश्चंस आया हुआ, मतलब ये था फर्स्ट ईयर का, इसके बाद दो साल गैप हो गया 18-19, 19-20, इसके बाद 2021 में आया। तो हम इसको देख लेते हैं सोल्यूशन के तौर पे, ये गिवन क्वेश्चन डायरेक्ट मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। तो आप देखिए दो सर्किट है इसमें, सर्किट नंबर 1 एंड सर्किट नंबर 2। तो पहले नंबर सर्किट क्या है, माइनस पे इनपुट जा रहा है और दूसरे वाले में माइनस पे दो इनपुट जा रहा है, यानी कि एक जो है फर्स्ट वन जो है वो इन्वर्टिंग समिंग है और सॉरी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और दूसरा इन्वर्टिंग समिंग है। ओके तो डायरेक्टली मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, वी आउटपुट इज इक्वल टू, ये जो पहले ये होगा, यानी कि इसको मान लेते हैं मैं वी वन मान लेता हूँ, मैं वी वन, तो वी जीरो वन, सो वी जीरो वन इज इक्वल टू होगा माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी वन। तो आर एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस 330 किलो ओम में है, 33 इंटू 12 मिली वोल्ट। ओके तो 10 टाइम्स में जाएगा और ये आ जाएगा वी जीरो वन की जो वैल्यू आ गई वो माइनस 120 मिली वोल्ट। अब आते हैं सेकेंड की तरफ, यानी कि वी आउटपुट, वी आउटपुट क्या है, इन्वर्टिंग समिंग, यानी कि माइनस बाहर निकालने के दो इनपुट है इसमें, आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी वन जो वी जीरो वन है, और प्लस आर एफ अपॉन आर टू इंटू वी टू। अब देखते हैं माइनस आर एफ कितना है, यहाँ पे माइनस आर एफ की वैल्यू 470/47 दोनों किलो में है, इंटू वी जीरो वन की वैल्यू कितनी आई है -120, तो -120 मिली वोल्ट मिली वोल्ट में है। और यहाँ पे जो वी टू है वो इसमें सेकेंड में क्या जा रहा है, एक में ये गया और दूसरे में 18। ये साइन से कंफ्यूज मत होना, ये साइन का मतलब दिया हुआ है कि ये एसी है और ये ग्राउंडेड है, बस और कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 18 मिली वोल्ट है। तो ये पहला टर्म हो गया, इसके बाद प्लस 470/47 इंटू 18 मिली वोल्ट, दोनों मिली वोल्ट में इसलिए हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
तो ये 47 10 टाइम्स में, ये भी 10 टाइम्स में, तो ये कितना बन गया देखो, माइनस 120 टू 10 1200 मिलीवोल्ट और प्लस 18 इंटू 10 180 मिलीवोल्ट। सो अब दोनों को अगर आप ऐड करेंगे माइनस 200 और 180, लेट अस सी हाउ मच इट इज, क्योंकि एक वो जेड, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो 1200 इंटू 180 यानी कि 1020 मिलीवोल्ट, और ये निगेटिव है क्योंकि माइनस और ये प्लस है, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 1020 को आप एज इट इज देख सकते हो 1020 मिलीवोल्ट, या इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से हम अगर क्योंकि 10 टू पावर ये मिली वोल्ट है ना, मिली मीनिंग 10 टू पावर माइनस 3, तो ये अगर 10 टू पावर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.02 वोल्ट। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू 1.02 वोल्ट। सोचिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है और कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी इजिली आप जो है वो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट देखिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख के बता सकते हो, ये क्वेश्चन ये भी 17-18 में आया हुआ है और इसके देख के आप बता सकते हो कि ये भी समिंग डिफरेंस एम्पलीफायर है। क्यों? क्योंकि दोनों पे इनपुट जा रहा है, यानी कि फर्स्ट केस में V01 में डायरेक्ट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग दो स्टेप में प्लीज लेके चलना। तो पहले स्टेप में सिर्फ इसको इनपुट मानेंगे, V2 इज द ओनली इनपुट और ये जो है ग्राउंडेड है, तो क्या हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1 इनटू V2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 300 डिवाइड बाई 150, दोनों किलो में है, इंटू 2, तो 150 एंड 300 नेगेटिव में, इसके पहले माइनस लगाना है, तो 2 यानी कि माइनस 4 वोल्ट। सेकेंड केस में V02 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू VB, इसको हमने B माना है। सो इस केस में क्या करूंगा, पहले मैं VB की वैल्यू निकालूंगा। सो VB इज इक्वल टू डायरेक्टली, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ क्योंकि दो स्टेप में करने में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे VB निकालेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज इसकी आएगी वो हो जाएगी वोल्टेज डिवाइडर रूल से 1 प्लस RF की वैल्यू है अगेन 300 डिवाइड बाई 150, पॉजिटिव में है ये, इंटू VB वोल्टेज डिवाइडर रूल यानी कि 10 इंटू 1 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 10 20। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि दूसरा जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा टर्म जीरो ही आएगा, दोनों किलो ओम में है तो 1/2। लेट अस सी हियर, 152 बार में गया तो ये हो गया 3 × 1/2 यानी कि हो जाएगा 3/2 वोल्ट। अब फाइनल केस में क्या करना है, V01 प्लस V02। आप लोग क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है तो प्लीज आप सब लोग पूरा स्टेप फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा कि V01 इज द ओनली इनपुट, इसमें V02 यानी कि नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल हैज ओनली इनपुट, एंड देन स्टेप में सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस 4 वोल्ट और प्लस 3/2, तो कितना आ गया माइनस 8 प्लस 3/2 यानी कि माइनस 5 वोल्ट, माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस 2.5। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, ये दोनों क्वेश्चन 2020 में यानी कि इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं कितना बेसिक, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस मैं देख रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, दो मतलब माइनस टर्मिनल पे इनपुट है, प्लस वाला ग्राउंडेड है और दो माइनस पे दो इनपुट है यानी कि इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है। डायरेक्ट फॉर्मूला V इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1, माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, अपॉन V1, सिर्फ दो ही इनपुट है तो RF अपॉन R2 इंटू V2। क्या हो जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू 1, दोनों किलो ओम में है, इंटू V1 इज 0.2 प्लस RF अगेन 10 डिवाइड बाई ये भी 1 किलो ओम है इंटू 0.5, तो कितना हो गया 10 इंटू 0.2 यानी कि 2 और ये 5 यानी कि 2 प्लस 5 ये बाहर की तरफ माइनस है तो हो गया माइनस 7 वोल्ट। सिंपल ये क्वेश्चन। अब इसके जस्ट ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स में और ये 5, दोनों मिला के 10 मार्क्स में। अब सोचो देखिए 3 लाइन में इसका आंसर। अब हाँ स्टेप लिख देना कि दिस इज नथिंग बट सम इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, तो इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला ये होता है एंड दिस वन। नाउ हियर फॉर ये, दिस वन वाज फॉर ए एंड ये जो है वो बी के लिए। अब ये देख के बताइए कौन सा एम्पलीफायर है, माइनस प्लस
माइनस पे इनपुट जा रहा है जो 80 माइक्रोवोल्ट के लिए है, ये साइन दिया हुआ है और इसके साथ ग्राउंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 180 माइक्रोवोल्ट है और एसी इनपुट है, R1 2 है और ये 2 ओम, यानी कि क्या है V0 इज इक्वल टू इनवर्टिंग एम्पलीफायर सिंपल माइनस RF अपॉन R1 इनटू V1। सो माइनस RF की वैल्यू है 200, देखना यहाँ पे माइनस 200 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू 2 किलो ओम, दोनों किलो ओम में है, इनटू 80 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट, तो कितने टाइम्स में गया 100 टाइम्स में। सो आप अगर इसको निकालोगे तो माइनस 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया, है ना। तो लेट्स पुट आउट दिस वैल्यू, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मिली में इसका आंसर हम लिख सकते हैं जस्ट, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। सो 8 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो गया मिली वोल्ट, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 8 वोल्ट। अब एक चीज ध्यान में देने वाली बात यह है कि आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस 9 माइनस 9 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 9 माइनस 9। अगर सोचो कि ये 200 की जगह पे 2000 होता तो इसकी वैल्यू जो है वो 80 वोल्ट होती, लेकिन ये प्लस 9 और माइनस 9 की वजह से कभी भी वोल्टेज प्लस 9 और माइनस 9 से ज्यादा नहीं जाएगा, ये ध्यान पर रखना है। तो अगर वोल्टेज प्लस 9 या माइनस 9 से ज्यादा होता तो हम उसे वहां पे माइनस 9 ही लिखते, मैक्सिमम कितना लिखते माइनस 9 ही लिखते, बस इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बट फॉर्चुनेटली आप लोगों का जो आंसर है वो 9 से कम आ रहा है, इसलिए आपको आंसर जो होगा जो आ रहा है वही होगा। ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हो मिला के 10 मार्क्स में इस सेमेस्टर, इस साल आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर में 2020-21 में। तो इस तरीके से टोटल जितने भी करीब करीब न्यूमेरिकल्स आए हुए हम सब ने इसको एक कोशिश किया सॉल्व करने की। इसके बावजूद भी किसी टॉपिक्स में या कहीं पर आपको डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो अभी के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज करके या ईमेल करके। थैंक यू।